20 तारीख सायंकाल थाने पर सूचना मिली थी कि बाठौर गांव में एक आदमी के साथ मारपीट कर दी है। इस पे वहाँ थाने की टीम गई थी, उससे पहले ही 108 उसको परिवादी को थाने पर हॉस्पिटल लेके आ गई थी। हॉस्पिटल में जाकर मालूम किया तो वहाँ परिवादी रामलाल ने बताया कि 19 तारीख को उसके साथ जब वो मजदूरी से लौट रहा था तो चरण सिंह और 5 उसके अन्य साथी जो थे उन्होंने कैंपर में आके उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें उसके हाथ पैर टूट गए और सिर वगैरह में कई जगह चोटें लगी थी। तो इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और इस बात की आसपास के गांव में आसपास काफ़ी दहशत हो गई थी और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर SHO करण सिंह जी ने अपनी टीम के साथ उनमें से मुख्य आरोपी चरण सिंह और उसके साथ 3 अन्य आरोपी दिनेश, योगेंद्र और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है और 2 मुलजिम और हैं जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र के उसके प्रयास किए जाएंगे। क्या था सर पुरानी रंजिश, किस तरह की थी इनकी? परिवादी ने बताया कि अब से करीब 2 साल पहले चरण सिंह को उसने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था और उसके बाल कटा के और उसकी कोई वीडियो वायरल कर दिए थे मारपीट करके। इस बात का चरण सिंह को बदला लेना था और इसी बदले के उसने ये कार्रवाई उसने मारपीट के साथ उसने ये कार्रवाई की है। और जब ये उसने जब प्रण लिया था तो उसमें ये भी इसने मतलब कसम खाई थी कि जब तक कि मैं बदला नहीं ले लूँगा तब तक मैं अपने बाल और दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा। तो अब उसने इसी रंजिश के करते इनके साथ मारपीट की। जो दूसरे लोग पकड़े गए उन पे किस तरह के अपराध पैदा हैं? इसमें एक आरोपी जो ये सभी वैसे तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इसमें जो योगेंद्र उस मुंडिया जो पकड़ा गया है भूमा का रहने वाला है, ये चौमू के अंदर जो 20-21 तोला जो डकैती वाला जो मुकदमा है उसके अंदर ये वांटेड चल रहा है। अभी तो इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और लूट के और भी तौर पर बता रहे हैं इसमें चरण सिंह है, ये भी आपराधिक, इसके भी एक डकैती का मुकदमा पहले से है और मारपीट का भी मुकदमा एक पहले से है। ये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कोई गैंग बना रहे थे क्या, ऐसा है क्या? कोई गैंग बना रहे थे इसकी तो जांच कर रहे हैं, पर ये जो जिस तरह से सामूहिक रूप से जो मिले हैं ये, तो इससे ये लग रहा है कि ये मतलब कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के एक साथ इकट्ठे हो रखे थे और इनके गैंग बनाने की अगर कोई है तो इसकी जाँच करेंगे। तीन दिन तक